एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप बताइए आपकी पहली प्रेगनेंसी में क्या क्या लक्षण थे और इस प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या लक्षण हैं और आपको क्या खाना पसंद है क्या नहीं। तो खाने के ऊपर तो मैंने वीडियो बना दिया है और अभी चलिए आपको बताते हैं कि मुझे इस टाइम पर कैसा जो है क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इसके पहले वाली प्रेगनेंसी में मुझे कैसे लक्षण थे, क्या क्या था। तो चलिए फिर आज की वीडियो इसी पर है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से। और आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि हम लोग सब में जानने की इच्छा होती है, जब जो है प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो सब लोग जानना चाहते हैं कि लड़की है या लड़का है। तो जब मेरा पहला बच्चा था, मेरा बेटा अभी, तो इतना ज़्यादा मुझे शुरुआत में तो नहीं था कि हाँ क्या होगा क्या होगा। लेकिन फिर जो है जब सब लोग कहने लगते हैं कि तुम्हें लड़की होगी, तुम्हें लड़का होगा, तो थोड़ा सा मन में वो हो जाता ना कि हाँ मुझे भी पता चले हाँ क्या होगा क्या नहीं। तो मैं भी बहुत सारी वीडियोस देखती थी, तो बहुत तरीके की उसमें जो है सारा कुछ बताते थे, जो कि बहुत सारी चीज़ें मुझसे मैच भी करती थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं मैच करती थी। तो अभी 2-3 कमेंट्स मेरे पास ऐसे आए कि दीदी प्लीज़ बताइए, आपका एक बेटा भी है और आप दूसरी बार भी जो है प्रेग्नेंट है, तो इस बार बताइए कि आपको क्या उस वही लक्षण है या कोई और है, कुछ क्या है, कैसे है। तो जानने के लिए सब बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। तो मुझे भी इच्छा हो रही थी कि हाँ इस पर एक वीडियो बनाई जाए। अभी के टाइम पर मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था, इतना कुछ आइडिया नहीं था। इस बार थोड़ा बहुत आइडिया है तो मैंने कहा चलो फिर बनाते हैं। और ये एक जो है फ़न के तरह लीजिए, क्योंकि जो है जो भी हो यार, स्वस्थ हो, मस्त हो, बस यही जो है ईश्वर से प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है। और अभी के टाइम पर मैंने बहुत सारी गलतियां करी थी क्योंकि कोई बताने वाला इतना कुछ था नहीं। इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अपना ध्यान दूँ। तो चलिए फिर बताते हैं कि मुझे अभी के टाइम पर क्या हुआ था ना। सबसे पहले मुझे खट्टा तीखा ये सब खाने का बहुत ज़्यादा मन था, बहुत ज़्यादा मन करता था। और इस टाइम भी मुझे सेम ही सारा कुछ है, मैं खट्टा भी खाती हूँ, तीखा भी खाती हूँ, मीठा मुझे ना बहुत बहुत कम पसंद है। मीठा जैसे सामने आ गया ना तो थोड़ा बहुत मैंने खा लिया, लेकिन इतना ज़्यादा ये नहीं है कि मुझे बस खाना है तो खाना है। तो मीठा मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, अभी के टाइम पर भी नहीं अच्छा लग रहा था, इस टाइम पर भी अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी के टाइम पर मुझे खुजली बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत 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 ज़्यादा। और इस टाइम पर भी मुझे शुरुआत अभी खुजली की हो चुकी है, थोड़ी बहुत हो रही है। मैं अपने हाथ पैर आपको दिखाऊंगी, अभी भी जो है निशान है, आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा बहुत है। और अभी फिर से शुरू हो चुके हैं पड़ने, ये देखिए यहाँ पर पैर में तो पड़ चुका है, अभी हाथ में तो नहीं हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये सब दाने निकल रहे हैं। तो फेस पर तो बहुत कम ही मेरे अभी के टाइम पर भी कभी कभी निकला था, और इस टाइम पर भी 1-2 दाने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ खुजली बहुत हो, अब शुरुआत हो गई है होने की, इसके पहले नहीं हो रही थी, अभी हो रही है। तो देखते हैं, आप लोग भी वीडियो को एंजॉय करिए और देखिएगा, जब मेरा बेबी होगा तो आप लोग खुद देखिएगा बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। अभी तो बस मैंने सोचा कि उन्हें वीडियो बनाई जाए, थोड़ा सा मुझे भी याद रहेगा। तो बस खुजली मेरी शुरू हो चुकी है और पेट वेट पर भी बहुत ज़्यादा खुजली होती है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, सोने में बहुत दिक्कत होती है। तो खुजली के टाइम पर, खुजली वाली बात तो मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए सही था, खुजली होती है तो कहते हैं लड़का होता है। तो अभी जब था तो खुजली हो रही थी और अभी भी मुझे खुजली हो रही है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, और बस स्वस्थ हो, मस्त हो। तो बस छोटी सी वीडियो यही थी कि जो है खुजली से कैसे पता करें लड़की है लड़का है। तो मुझे तो भाई लड़का हुआ था, और इस बार देखते हैं क्या है, इस बार भी खुजली हो रही है। तो बहुत लंबी वीडियो नहीं करेंगे, ये छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आपके आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आपके लिए छोटी सी वीडियो बनाई जाए। और भी कुछ जानना होगा तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन हो बस उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं छोटी सी एक क्लिप बनाऊँगी, वही आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन फिर भी वीडियो थोड़ी बहुत बड़ी हो ही जाती है,
तो इसलिए फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।